Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का C51 है तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा इसी फोन के टॉप 25 प्लस टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके इस फोन को आप बहुत ही बढ़िया से यूज कर सकते हो और भी शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर काफी अमेजिंग हिडन फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्क्रीन को आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन को ऑन करा सकते हैं, डबल टैप करके लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे हिडन फीचर्स फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, जानते हैं इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिल जाते हैं जिनका डायरेक्शन आप देखोगे तो चेंज है। अगर आप चाहें तो उसको भी चेंज करके रख सकते हैं, बैक बटन राइट हैंड साइड पर सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिस्टम। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जेस्चर नेविगेशन, तो यहाँ क्लिक करके चाहे तो इसको आप हाइड कर सकते हैं जो कि आपको जेस्चर नेविगेशन सेट करने रहेंगे, तो यहाँ पे चाहे तो इनको हाइड कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेविगेशन बार, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है तो आप देखोगे आपके बैक बटन राइट हैंड साइड पे आ जाता है। इस फोन की स्क्रीन पर आप दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यूट्यूब के साथ किसी और भी एप्स का यूज कर पाएंगे तो पहले किसी एक एप्स को ओपन कीजिए, रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद इस आइकन पर आपको क्लिक करना है जिसके बाद आपको मिल जाएगा स्प्लिट डेस्कटॉप, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब नीचे बैकग्राउंड बहुत सारे ऐप्स आप देख पाओगे जिनमें से आपको स्प्लिट स्क्रीन के अंदर दो ऐप्स यूज करना है, इस तरह से आपको क्लिक करने होंगे तो ये दो ऐप्स आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाते हैं। आप दोनों ही ऐप्सों में आप अलग अलग तरह से काम कर सकते हो। इस फोन की स्क्रीन जब ऑफ होती है आप उसको ऑन करना चाहते हैं तो पावर बटन को प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीन पर डबल टैप कर देंगे तब इस फोन की आप स्क्रीन को ऑन करा सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, यहाँ पे आपको स्मार्ट कंट्रोल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद स्मार्ट बैक के लिए आप ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन ऑफ का ऑफ रहेगा, इसको ऑन करने के लिए स्क्रीन पर आपको दो बार प्रेस करना होगा इस तरह से, तो स्क्रीन आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आप इस फोन को जैसे ही पिकअप करेंगे तो इस फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। चाहे तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं, जिसके लिए ऑन करना है तो फोन की सेटिंग में जाइए, स्मार्ट कंट्रोल पर क्लिक करके आपको देखने को मिल जाएगा लिफ्ट टू चेक फोन, इस फीचर को ऑन करना है। फोन आपका टेबल पर रखा हुआ, जैसे आप इसको पिकअप करेंगे फोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे कि अभी आपने देखा इस तरह से इसको आप ऑन करा के रख सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट मोशन के काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको कॉल को आंसर करना हो तो स्क्रीन को विदाउट टच के आप कॉल को आंसर कर सकते हो, ऐसे भी और भी फीचर आपको मिल जाते हैं। तो यहीं पर आपको स्मार्ट कंट्रोल के अंदर आना है, स्मार्ट मोशन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है, इस फीचर को ऑन कर लेना है। अब इजी आंसर का एक फीचर आपको मिल जाता है, इसको ऑन कीजिए। आप कोई भी कॉल को आंसर करना चाहते हो तो डायरेक्ट रिंग होते हैं फोन को कान की ओर ले जाइए, कॉल आपकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। एंड सेकंड नंबर पर आपको मिल जाएगा एजी वॉल का फीचर, इस फीचर को ऑन कर लीजिए। इसमें क्या है, जैसे आपके फोन पर कोई भी कॉल वगैरह आता है और फोन को जैसे आप पिकअप करेंगे तो फोन का जो रिंग है वो बंद हो जाएगा, फोन केवल वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड नंबर पर आपको मिल जाता है म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर, इसको ऑन करने पे क्या होगा, आपके फोन पे कोई भी कॉल वगैरह आ रही हो जैसे आप उस कॉल को म्यूट करना चाहते हैं तो फोन को फ्लिप कीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी, या फिर पलट कर रख दीजिए फोन को, तब भी आप कॉल को जो कॉल रहेगी उसको म्यूट करा सकते हो। इस फोन में आपको डुअल एप्स का भी फीचर देखने को मिल जाता है, डुअल एप्स को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्स का फीचर, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल करने पे आपको मिल जाएगा पैरेलल ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी एप्स आपको देखने को मिलेंगे उनको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए, उसका डुअल एप्स ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आप डुअल एप्स की कुछ इस तरह से स्क्रीन पर देखने के बाद उनका अलग अलग तरह से अलग अलग अकाउंट के अंदर यूज कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड इस फोन में आप डुअल एप्स को भी बना सकते हैं। इस फोन के कैमरा एप्स के अंदर काफी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो कैमरा एप्स को ओपन करने के बाद आपको सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्माइल शूटर का एक फीचर, इसको ऑन कर लीजिए। अब जैसे ही आपके कैमरे के सामने कोई स्माइल करेगा ये फोन ऑटोमेटिक उसका फोटो क्लिक कर लेगा, ये काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और फीचर मिल जाता है, आप स्क्रीन पर टैप करेंगे तब भी आप फोटो को क्लिक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टैप स्क्रीन टू कैप्चर के लिए ऑन कर लेना है। अब आपके फोन पर जब भी आपको फोटो क्लिक करना है तो स्क्रीन आपको टैप करना है, आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। इस फोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का भी फीचर मिल जाता है, आप इस फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहें तो अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कीजिए, साइड करने पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप डिफरेंट तरह की ऑडियो रिकॉर्ड सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो फोन की तो यहाँ पर क्लिक करके रख सकते हो, चाहते हो जो आप बोलिए वो रिकॉर्ड होना चाहिए तो माइक्रोफोन को सेलेक्ट करके रख सकते हो। इसके अलावा डिवाइस एंड माइक्रोफोन के लिए सेलेक्ट करेंगे तो दोनों ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा शो टचेस ऑन स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, इसको ऑन करने पे जहां जहां आपने स्क्रीन रिकॉर्ड होते समय टैप किया होगा वो आप स्क्रीन रिकॉर्ड के अंदर चेक कर सकते हो, तो यहां पे आप इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग कर सकते हो, इस फोन में स्क्रीन को रिकॉर्ड करा सकते हो। इस फोन में फोटो और वीडियो को भी आप बहुत आसानी से हाइड कर सकते हो। इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है बाय डिफॉल्ट के अंदर गूगल का फाइल, इस गूगल फाइल को ओपन करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सेव फोल्डर, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको दो तरह सिक्योर कर लीजिए जो भी आप करना चाहते हो। इसके बाद आपको लॉक वगैरह सेट करना रहेगा,
दो सिम लॉक डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, गॉट इट पर क्लिक करना है। अगर आप किसी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो तो फोटो के लिए इमेजेस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर जाना होगा जिसमें से फोटो हाइड करना है। उसके बाद आप उस फोटो के ऊपर मल्टीपल टाइम प्रेस करके रखिए तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे एंड मल्टीपल सेलेक्ट भी आप कर सकते हो। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा मूव टू सेव फोल्डर, इस पर क्लिक कर लेना है। ये आपका यहाँ पे प्राइवेसी पासवर्ड आएगा, इसको आप डालने के बाद इसको हाइड कर पाओगे। तो इस तरह से इस फोन में फोटो या वीडियो हाइड करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको इस फोन में डार्क मोड सेट करना है तो वो भी फीचर आपको मिल जाता है। इसको सेट करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको डार्क मोड का यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाता है। तो सिंपल आप यहाँ से इसको ऑन करा सकते हैं, वैसे इसको आप सेटिंग करके भी रख सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक ही काम करे तो इसके आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। शेड्यूल पर क्लिक करके आप इसको यही सेट कर सकते हैं अपना टाइमर, जिसके किस टाइम ये ऑन होना चाहिए, किस टाइम बंद होना चाहिए। अगर आप सनराइज के लिए सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये नाइट में ऑन होगा और ऑटोमेटिक दिन में हट जाया करेगा। तो इस तरह से भी आप इसको सेट करके रख सकते हैं। इस फोन में आपको आई कंफर्ट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें क्या है, आप अगर अपने फोन को ज्यादा यूज करते हैं तो आपको आई कंफर्ट का जरूर से यूज करना चाहिए, जो कि आपको आपके कंट्रोल पैनल में देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको ये ऑन करना है। अब आप देखोगे आपकी फोन की स्क्रीन है कुछ येलो कलर की आपको देखने को मिल रही होगी, तो इसको यूज करने का ये फायदा रहेगा। आप अगर आप फोन को ज्यादा यूज करते हैं तो ये आपकी आंखों के लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी आपको इफेक्ट नहीं शो होगा, आप काफी टाइम तक फोन को अच्छे से यूज कर पाओगे। इस फोन में आपको एक पॉकेट मोड देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा फीचर है। इसको ऑन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करना होगा, देखने को मिलेगा स्मार्ट कंट्रोल, उस पर आपको क्लिक करना है। पॉकेट मोड पर क्लिक करने के बाद ये ऑन कर लेना है। इसमें किस किस तरह के फीचर आपको मिल जाते हैं चलिए वो भी आपको बताते हैं। पहला फीचर मिलेगा आपका टच डिसेबल का, इसको ऑन करके रखेंगे आपका फोन पॉकेट के अंदर होगा तो आपके फोन की टच ऑटो वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा आपका फोन का स्मार्ट बेल का फीचर मिल जाता है, इसको ऑन कर लेंगे तो आपका फोन पॉकेट में होगा तो फोन की रिंगटोन और भी मैक्सिमम और लाउड के साथ आवाज करेगी, मतलब काफी लाउड हो जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा पावर सेविंग का एक फीचर मिल जाता है, इसको भी ऑन कर दीजिए तो आपके फोन की जैसे आप पॉकेट के अंदर रखेंगे तो फोन का ऑटोमेटिक पावर सेविंग मोड ऑन हो जाएगा, तो इससे आपकी बैटरी की सेव काफी हो जाएगी। मतलब इस तरह से आप इन फीचरों का यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि आपको पॉकेट मोड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस फोन के लिए आप ऑन ऑफ के लिए शेड्यूल पर सेट करके रख सकते हैं, जिसको सेट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन करने में मिलेगा शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, इसको सेलेक्ट करना है। किस टाइम आपको फोन ऑन होना चाहिए यहाँ से आप वो टाइमर सेट कर सकते हैं, किस दिन होना चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं, ऑफ किस समय हो जाना चाहिए फोन आपका ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये ऑटो वर्क करेगा, जो भी आपने टाइमर वगैरह सेट किया होगा तो उस दिन उस टाइम पर आपको ये फोन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो इसको आप नाइट के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं रात के लिए आपको फोन ज्यादा डूनर मतलब आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करे तो यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ पर सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाए करेगा, ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाए करेगा। तो इस तरह से आपको ये फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको वर्चुअल रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जितनी जीबी का रैम है उतनी ही जीबी रैम आप और भी एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे कि 4GB का फोन है तो 4GB आप और भी एक्सपेंड कर पाओगे तो टोटल जीबी रैम हो जाएगा आपका 8GB। तो इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे फोन का अबाउट, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपको जो रैम सेक्शन ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे 1GB 2GB एंड 4GB तक का फीचर मिल जाता है, अब जितनी जीबी का आप रैम बढ़ाना चाहते हैं इस फोन का वो आपको क्लिक करना है, फोन एक बार रिस्टार्ट करना है। तो रिस्टार्ट करने के बाद आपकी फोन की रैम मेमोरी एक्सपेंड हो जाएगी। जब आप इस फोन के अपने एप्स को कुछ इस तरह से ओपन कराते हैं तो यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड शो हो जाता है, डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है। आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सेटिंग आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये फीचर मिल जाएगा डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉइड, तो इसको आप डिसेबल कर दीजिए। अब आप अपने ऐप्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी कीबोर्ड वगैरह शो नहीं होगा। इसके अलावा इस फोन में आपको एप्रॉइड शो होता है, यहाँ पे आप चाहें तो इसको भी डिसेबल करके इस फोन में स्टैंडर्ड मोड का यूज कर सकते हैं, जो कि सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो उसको सेट करने के लिए स्क्रीन पर आपको वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करना है या फिर टू फिंगर से आप इस तरह से पिंच इन कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ होम स्क्रीन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको स्टैंडर्ड मोड यूज करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, तो ये आपका सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका सिंपल जो भी एप्स हैं वो आपकी होम स्क्रीन पर रहेंगे, यहाँ से आपका एप्रॉइड डिसेबल हो जाता है। जब इस फोन की पावर बटन को प्रेसिंग होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपका गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। आप चाहें तो इसे डिसेबल करके इस फोन की पावर मेन्यू को सेट कर सकते हैं, जिसको सेट करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिस्टम, सिस्टम पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जेस्चर, जेस्चर पर क्लिक करेंगे और प्रेस एंड होल्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको होल्ड फोर असिस्टेंट के लिए यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पावर ऑप्शन, इस तरह से आप यहाँ पे इसको भी सेट करके रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से फोन में स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन आपको एक साथ प्रेस करना होगा, ये आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है।
इस फोन में 3 फिंगर से डाउन करेंगे आप तब भी इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे, तो कुछ इस तरह से आप स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट, तो उसके लिए आपको जाना है लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में। जैसे कि हम सेटिंग में एक बार यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहते हैं क्लिक करना, तो सिंपल पहले कोई भी नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, मोर कैप्चर पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जितना आपको लॉन्ग चाहिए। यहाँ पे आपको क्लिक करके सेव कर लेना है, शेयर डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ इस तरह से आप इस फोन के अंदर लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो। इस फोन में आप क्रॉप स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हो, जैसे कि केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो सिंपल पहले नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, इसके बाद इस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। ये कुछ इस तरह से आपका सेलेक्ट हो जाता है। अब जितना आपको चाहिए यहाँ पे क्रॉप, तो क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इस स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर लीजिए, मतलब ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप क्रॉप स्क्रीनशॉट इस तरह से इस फोन में बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ यूजफुल फीचर इस फोन के, जिनके बारे में आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर सका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ यूजफुल फीचर इस फोन के, जिनके बारे में आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।